शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमेंट रोड के काम करने में हो रही लापरवाही, काम जल्द पूरा नहीं हुआ तो प्रभाग के नागरिकों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वैशिष्ट्यपूर्ण काम के विशेष निधि 15 करोड़ के अंतर्गत रोड काम के लिए करीबन रकम 23,95,000 रुपए के काम का भूमि पूजन 27 जुलाई 2019 को संपन्न हुआ, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन अजय गौर को दिया गया था। आज एक वर्ष इस रोड का काम प्रलंबित पड़ा हुआ है। इस ओर न प्रशासन ध्यान दे रही है, न जनप्रतिनिधि। अभी तक कोई पर्याप्त उपाय किया नहीं गया। प्रभाग क्रमांक 8 शिवाजी वार्ड के नागरिकों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। इस रुके हुए काम के चलते अब बारिश में इस रोड पर चलना भी मुश्किल होता है। वाहनों के आने जाने से फिसलन हो रही है, दुर्घटना होने की संभावना होती है। यह रोड प्रभाग का मुख्य रोड है, जिसका सीमेंटीकरण करना जरूरी है, लेकिन आज तक कोई भी उचित कदम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा नहीं लिया गया। बस बताया जाता है काम शुरू है, लेकिन जनता की किसी को परवाह नहीं, ऐसा अब नजर आ रहा है। अभी हाल ही में बारिश के मौसम के चलते रोड पर पानी भर जाएगा, जो निकासी नहीं होने के कारण रोड पर ही जमा होता है, जिससे बीमारियों का खतरा मंडराता है। प्रशासकीय अधिकारी, जनप्रतिनिधियों की आंखें बंद नजर आ रही है। प्रभागवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर ध्यान दे, अन्यथा आंदोलन का इशारा भी प्रभागवासियों ने दिया है। समस्या यह है कि 2 साल से रोड पे काम नहीं हो रहा है, रोड फोड़ के रखी है, पानी जमा होता है, बारिश का पूरा आने आओ जाओ बंद हो जाती है। उसके लिए वार्ड मेंबर को कितने बार बोले, कोई ख्याल दे नहीं रहा है। यहाँ पे अभी 1.5-2 सालों का जमाना हो गया ये रोड का, अभी 15 दिन से रोड फोड़ के रख दिया और फिर भी पानी नहीं आ रहा है। ये अपने पानी जमा हो जा रहा है रोड, बारिश का नाली से पानी नहीं आ रहा है। ये कब तक काम होगा, कोई भरोसा नहीं है इनका। नगर सेवक को बोले, हाँ बोले, बोले है बोले, हमने बोले आमदार को बोले, वो मेंबर बता रहा था आमदार कोटे का है करके। हिंगनगाड़ से NBCN न्यूज के लिए रवि एनोर करके रिपोर्ट।